हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑल तो चलिए आज हम देखते हैं कि आप लोगों के लिए कुछ खुशखबरी है। यहाँ पे आपको न्यूज मिल रहा होगा कि तीसरे काउंसलिंग में छात्रों का डाटा रीसेट करेगा मिथिला विश्वविद्यालय, यानी कि थर्ड काउंसलिंग में अब रीसेट की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। बहुत क्यों ऐसा हो रहा है, किस लिए ऐसा हो रहा है, तो वो मैं आपको समझाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। मुजफ्फरपुर के छात्रों का यही के बीएड कॉलेज में होगा दाखिला, यानी कि आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपग्रेड करवा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्या कर रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, पहले दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और मात्र 99 बच्चों ने ही दस्तावेज सत्यापन कराया है। तो ये हाल हो रहा है बीएड कॉलेजों का कि एडमिशन में, इसलिए इतना तो कंफर्म हो गया कि अब थर्ड काउंसलिंग पक्का होगा। तो चलिए आइए पढ़ते हैं कि न्यूज क्या है। न्यूज ये है कि बिहार विश्वविद्यालय के छात्रों को अब इसी विश्वविद्यालय के बीएड कॉलेज में दाखिला मिलेगा। बीएड कॉलेजों में सीटें नहीं भरने पर नोडल एजेंसी मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रों को डाटा रीसेट करने जा रही है। अभी मुंगेर के छात्रों को मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर के छात्रों को दूसरे जिले का आवंटित हुआ था। इसी कारण दूसरी काउंसलिंग शुरू होने के बाद भी बीएड में 50% सीटें अभी खाली है। बीएड कॉलेजों के दाखिले के लिए बुधवार को दस्तावेज में सत्यापन शुरू हो गया। पहले दिन मात्र 99 छात्रों ने दस्तावेज का सत्यापन कराया और 21 बच्चों ने कॉलेज अपग्रेड करवाया। छात्रों के दस्तावेज का सत्यापन 12 दिसंबर तक किया जाएगा। बिहार विश्वविद्यालय के नोडल ऑफिसर प्रोफेसर प्रमोद कुमार ने बताया है कि जो छात्र छूट जाएंगे उनके दस्तावेज सत्यापन 13 दिसंबर को होंगे। पहली काउंसलिंग के बाद अभी आधी सीटें खाली रह गए। मिथिला विश्वविद्यालय ने दूसरी काउंसलिंग शुरू कर की है। बीएड कॉलेज के संचालकों ने बताया है कि दूर के छात्रों को मुजफ्फरपुर और यहाँ के छात्रों को दूर के कॉलेज लिए वे एडमिशन नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं, दूसरी काउंसलिंग के पहले दिन मात्र 99 बच्चों का दस्तावेज सत्यापन, सीटों के नहीं भरने से उठाया जा रहा है कदम। तो बीएड में अभी भी आधी सीटें खाली है। तो ये न्यूज आप लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए खुशखबरी हो सकती है कि थर्ड काउंसलिंग में आप लोगों के लिए चांस है। तो देखिए अब आगे क्या होता है। आगे जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आएगा, सबसे पहले मैं आपको अपने वीडियो पर अपडेट कर दूंगी। तो चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। आज के लिए बस इतना ही इन्फॉर्मेशन था। जैसे ही कोई न्यूज आती है, सेकेंड वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आप सबसे पहले अपडेट पाने के लिए आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। तो आज के लिए आपका दिन अब मंगलमय हो। धन्यवाद।